हेलो गाइस, बजब आज वीडियो के साथ मैं हूं आपका अफ्ताह सुफियान कुरैशी और आप देख रहे हैं पानी सुफियान। गाइस आज हम जा रहे हैं डल लेक और हमारा प्लान है साथ का पोलोवे मार्केट का यानी स्मार्ट सिटी वगैरह देखने का। सो यस, अभी निकलते हैं यहां से, कैब वेट कर गया बाहर हमें पिक करने के लिए आई है, तो चलते हैं सीधा, आपको डल लेक मिलते हैं पहले। सो गाइस हम सबसे पहले लेने वाले हैं यहाँ पर शिकारा राइड लेने वाले हैं हम यहाँ पर डल लेक में। और हाँ, हमें यहाँ पर पूरा का पूरा डल लेक भी देखना है शिकारा राइड पे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं शिकारा राइड। आप बस हाथ आप बैठे रहो आराम से, हम उसको खुद चलाएंगे, ऐसे हमारा बैलेंस टूटता है शिकारे का। ओके, मैं भी देता हूँ थोड़ा सा। सो गाइज अभी हमने शिकारा राइड कर लिया स्टार्ट, हमारे दो शिकारा अभी चल रहे हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे हाउस बोट्स भी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं, तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें सिनेमैटिक्स से। ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في Yes guys, मैं अभी कहाँ पर बैठा हूँ आप देख लो। और हाँ, नज़ारे चेक करो पीछे guys, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हमारा डल लेक। और हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो मैं बैठा इस जगह पे हूँ एकदम एंडिंग पॉइंट पे, और यहाँ पर जो पानी है इसको जो टच करते हुए जो मज़ा आता है ना चलने में, वो अलग ही है। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग क्योंकि डल लेक बहुत ज़्यादा अच्छा है, कश्मीर की शान है। أسري أسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عين और हाँ, ये जो सारे लोग हैं ये सारे मिलके मछली पकड़ रहे हैं इसके बीच में से। मछली पकड़ रहे हो ना? नहीं, नहीं। फिर पकड़ रहे हैं। क्या वही तो क्या एलिगेटर वो तो पकड़ा उन्होंने, ये भी एलिगेटर पकड़ रहे हैं। और आप क्या पकड़ रहे हो अंकल? हेलो, आप क्या पकड़ रहे हो? हाँ, ये कुछ भी नहीं पकड़ रहे। अच्छा, बाय बाय कर, बाय कर दो, बाय कर दो। हाँ, हम जिनके साथ थे शिकारा पे वो ये हैं जो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भाई हैं। और हाँ, इनसे अभी हम थोड़ी सी बहुत बात करते हैं इसके बारे में, डल लेक के बारे में, अगर ये हमें कुछ बता पाएं कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स तो बता दीजिए कुछ, मतलब डल लेक के बारे में जो सबसे ज़्यादा अहम बात हो, कुछ मतलब अमेजिंग फैक्ट कुछ। डल लेक में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि अगर आप डल लेक आते हो तो हाँ, अगर आपको किसी दुकान पे जाना होगा या कहीं रोड साइड जाना होगा तो आपको भाई शिकारा ही जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या कुछ लाना भी होगा कुछ स्टोर से तो आपको भाई शिकारा जाना पड़ेगा। उस वजह से लिविंग ऑन अ सरफेस एंड लिविंग ऑन अ वाटर बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा अच्छा फील रहता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, आप शिकारा में चलते हैं, शिकारा में जाके कहीं स्टोर से कुछ सामान लेना। तो वैसे अगर आप नॉर्मल लाइफ देखें सर्विस पे रोड साइड पे, तो अगर आप गेट खोलोगे आपको रोड सामने होगा, आपको ऐसे ही निकल जाना पड़ेगा। हाँ, भाई शिकारा यहाँ पर सारा बाजार वगैरह सब कुछ है यहाँ पर शिकारा वगैरह। हाँ, और ये भी शायद से यहीं के आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये यहीं पे रहते हैं और शिकारा चलाते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो थैंक यू इनका इतना बात करने के लिए। सीख कबाब भी है, चिकन का 100 रुपये सीख, मटन मटन का भी आपको 100 रुपये। आप नहीं खाए कबाब? खाओ पनीर छीनी। हमने अपने लिए एक बारबेक्यू ऑर्डर किया है, देखते हैं डल लेक की बारबेक्यू कैसी आती है, टेस्ट करके देखें और आपको रिव्यू देंगे।
शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा बारबेक्यू। और हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सोचा नहीं इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट अच्छा होगा। ये कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह हैं जहाँ पर आके टूरिस्ट स्टे करते हैं रात को। और हाँ, कुछ तो यहाँ पर हाउस बोट्स पे भी स्टे करते हैं। और हाँ, ये कुछ हाउस बोट्स हैं जो कि पुराने हैं, जैसे ये वाला पुराना हो गया, लेकिन अब कुछ हाउस बोट्स हैं जो कि अब नए हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल्स वगैरह बना के रखे हैं, जो भी टूरिस्ट आता है वो पानी पे फ्लोट करते हुए सो सकता है रात को। वो कुछ वैसे वाले हाउस बोट्स हैं जिन पर रात में रहते हैं लोग, लेकिन ये हो गए लोकल जहाँ पर अपनी फैमिलीज लेके रहते हैं लोग। तो गाइस यही है जिनके साथ हमने आज हमारी शिकारा राइड ली। ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, नाइस टू मीट यू। गाइस रखवा यो चौका वो। तो गाइस ये है पोलोवी मार्केट, जिसको G20 की मीटिंग की लिए सजाया गया था। और हाँ, ये मार्केट लाल चौक में माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन्हें हम आपको पूरा दिखाते हैं आपको ये पोलोवी मार्केट। गाइस जो डेलीगेट्स यहाँ पर G20 की मीटिंग के लिए आए थे उनके लिए सजाया गया था और उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। G20 के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि मैं आपको देख आप चेक कीजिए भीड़ कितनी होती है, क्योंकि ऊपर से ये शाम का टाइम है तो इसकी मतलब इतना ज़्यादा इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसके लिए हर एक अट्रैक्ट होता है शाम के टाइम पे। हम भी शाम के टाइम पे आए और हमें भीड़ देखा। يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت لل Yes guys, अभी हम रुक चुके हैं प्रताप पार्क में। अभी हमने थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स किया, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी पार्क है क्योंकि रिलैक्स करने के लिए हम पार्क्स में आते हैं, गार्डन्स में आते हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ जो अभी हवा चल रही है ना थोड़ी थोड़ी, कश्मीर का मौसम तो लाजवाब है, और गार्डन में बैठ के जो मज़ा आता है उसका तो कोई बोल नहीं सकता, ऊपर से कश्मीर में। सो यस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और हाँ, प्रताप पार्क एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यस, अभी हम एक चाचू आ गए हैं लेने के लिए। अभी तक हमने प्रताप पार्क में थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, अभी हम जा रहे हैं चाचू के साथ अपने वापस घर के लिए। तो यस, निकलते हैं अभी घर के लिए।